फ्रेंड रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें चल रहे हैं। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया था, आज आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, BPSC हो, UPSC हो, NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ यानी इंटू का मीनिंग प्लस है, डिवाइड का इंटू है तथा माइनस का डिवाइड है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ देखते हैं 15, यहाँ प्लस है ना, तो देखेंगे प्लस का अर्थ क्या दिया है माइनस, तो वहाँ माइनस लिखेंगे, साइन चेंज करना है। फिर यहाँ पे क्या है 6 है, लिखेंगे डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या दिया है इंटू, तो यहाँ आपको इंटू में 4 लिखना है। फिर यहाँ माइनस है, देखेंगे माइनस का अर्थ क्या दिया है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लिखना है और 8 है। फिर यहाँ इंटू है, इंटू का अर्थ क्या दिया है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें बदमाश रूल अप्लाई कर देना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद लिखेंगे, अब बदमाश के अनुसार आप जानते हैं सबसे पहले यहाँ डिवाइड का फंक्शन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 - 6 इंटू 4 डिवाइड 8 है, तो यानी यहाँ लिखेंगे 4/8, वही डिवाइड हो गया। फिर यहाँ प्लस 5 है, प्लस 5 रहेगा। देन आप तो देखते हैं यहाँ 15 - 6 रहेगा, डिवाइड के बाद इंटू का फंक्शन होता है, तो इसमें कट होने वाला है 2 से 2 3 जा 6 और 2 से 2 4 जा 8, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ 6 भी नहीं बचेगा, 3 लिखेंगे और बच गया प्लस में 5, उसके बाद माइनस है और प्लस है। तो बदमाश क्या कहता है, पहले आपको ऐड करना है उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 15 + 5 = 20 हुआ, और 20 - 3 सब करेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर होगा 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ इंटू है, गुणा है, तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो यहाँ लिखेंगे 252 इंटू है ना, गुणा है, तो गुणा का अर्थ किया गया है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे 9। फिर यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ गुणा में 5 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर 32 हुआ। डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ प्लस दिया है, तो यहाँ प्लस लिखना है 92, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है बदमाश रूल से। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे डिवाइड कहाँ पे है, तो यहीं पे है, 9 से इसमें डिवाइड करना है, तो देखते हैं 9 + 18 हुआ और बच जाएगा कितना, 18 + 7 हुआ 72, 9 + 8 = 72 हो गया। उसके बाद यहाँ इंटू है, इंटू में 5 लिखेंगे और -32 + 92, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा इंटू है, बॉडमास इंटू होगा तो 5 से इसमें इंटू करेंगे तो 5 + 8 = 40 कैरी 4 हुआ, 5 + 10 और 4 = 14 - 32 + 92, उसके बाद यहाँ प्लस का फंक्शन होगा, ऐड करेंगे 0 + 2 होता है और 4 9 13 कैरी 1 1 1 2, तो 232 - 32 अगर माइनस करेंगे इसमें से तो 2 हो जाएगा और ये 0 200 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो, ये सामने है क्वेश्चन को देख सकते हैं, 288 - माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे 24। फिर यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे 8। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे में 3 लिखेंगे। अब इसको सब करते हैं तो यहाँ पहले आपको डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया 288 / 24,
बाई मतलब डिवाइड होता है और प्लस 8 × 3। अब देखते हैं कट करके 24 से 24 1 + 24 कैरी 4 हुआ और हो जाएगा 48 और 24 × 48 ठीक है। तो ये हो गया 12 + 8 × 3। सब करेंगे तो 12 + 8 = 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 246 2 1 3 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इनटू, डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो इसको इवेलुएट करना है। तो पहले हम साइन चेंज करेंगे 38 के और यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड हो गया 19। फिर माइनस है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू हो जाएगा 16। फिर यहाँ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है, प्लस 17। फिर डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहाँ डिवाइड का अर्थ प्लस, यहाँ प्लस हो गया 3। कहीं गलत हुआ है क्या, देख लेते हैं, चेक करते हैं। यहाँ प्लस का डिवाइड है, प्लस का डिवाइड सही है, फिर 19 है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू लिखे हैं 16, इनटू इनटू का अर्थ माइनस है, यानी यहाँ पर डिवाइडा माइनस है। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड का फंक्शन होगा तो 19 पूजा 2 टाइम्स में 38 होता है और इनटू 16 − 17 + 3। फिर यहाँ इनटू होगा 16 × 38 − 17 + 3। उसके बाद यहाँ प्लस का फंक्शन होगा तो ये हो जाएगा 8 × 10 = 0 × 1 = 3 × 1 = −17। माइनस करेंगे तो 10 − 7 = 3 हुआ, 1 कैरी हो गया, 3 बचा, 3 − 1 = 23 बचेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि गुणा का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड हो तो इसको इवेलुएट करके बताना है। तो यहाँ पहले साइन चेंज करेंगे। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन में दिया है, निर्देश में दिया है, जैसे साइन दिया हुआ कि प्लस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, तो उसके अनुसार पहले साइन चेंज करेंगे, उसके बाद गुड मॉस रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है तो यहाँ 24 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देखते हैं कहाँ है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस लिखेंगे 36, फिर माइनस है, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड हो गया 12। फिर यह इनटू है, इनटू का अर्थ मतलब गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस हो गया 1। फिर डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ इनटू है, इनटू 4, और इसको इवेलुएट कर देना है तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे डिवाइड का फंक्शन है, पहले डिवाइड होता है तो 12 × 3 = 36 − 3 और प्लस 8 × 4। सब करेंगे तो यहाँ 24 − 3 + 8 = 32। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 = 56 − 3। माइनस करेंगे 53 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ इनटू, इनटू का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ माइनस हो तो इसको इवेलुएट करके आपको बताना है। तो पहले साइन को चेंज करेंगे तो 15 − 8 = −9 लिखेंगे। देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, 15 माइनस का अर्थ गुणा, तो 15 × 8 तो यहाँ देखिए माइनस का गुणा दिया है और फिर 8 × 2 का अर्थ डिवाइड है तो ये डिवाइड 6 हो गया। फिर डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस 12 हो गया और प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस हो गया। सब करेंगे तो पहले डिवाइड करना है तो 15 × 8 डिवाइड में तो 22 में 6 हो गया और प्लस 12 − 4। आगे सब करते हैं तो यहाँ 2 से कट होगा, 3 हो गया और 2 से 4 हो गया और 3 से 15 = 5 हुआ तो 5 × 4 = 20, 20 + 12 − 4। ये दोनों प्लस में है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी 32 − 4
सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस माइनस का अर्थ इनटू, प्लस का अर्थ माइनस और इनटू का अर्थ डिवाइड हो तो इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ लिखते हैं पहले 40, यहाँ माइनस है ना, अब देखेंगे माइनस का अर्थ क्या है, इनटू गुणा है तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा है इनटू है, इनटू का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ 4 / 7 लिखना है, फिर यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस उधर रहेगा और देन यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस ये। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं तो पहले डिवाइड का फंक्शन होगा, ये हो जाएगा 4 × 4/7 और यहाँ डिवाइड का हो गया प्लस 12 है, प्लस 12 लिखेंगे, देन आफ्टर यहाँ 7 से 14 कट होगा 2 times में, ये हो जाएगा 4 × 8, 8 + 12 यानी 20 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डिवाइड का अर्थ इनटू है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है और इनटू का अर्थ माइनस है, तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको इवैल्यूएट करके बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 20, यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे 16, यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे, यहाँ 4 होगा, फिर इनटू है, इनटू का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे 3, देन यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है इनटू, तो यहाँ इनटू लिखेंगे, इसके बाद इसको इवैल्यूएट कर देना, तो यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ देख सकते हैं 4 से 14 में डिवाइड है, तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4 और प्लस में यहाँ 4 हो गया, उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस 3 × 2, देन आफ्टर आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला सुन के अनुसार, तो यहाँ लिखेंगे 20 + 4 - 6, ये दोनों प्लस में होगा तो ये हो जाएगा 20 + 20 + 4, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर है, ये हो जाएगा 20 + 4 = 24 और माइनस यहाँ क्या था 6, माइनस 6 रहेगा और ये माइनस करेंगे तो 18 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको बोर्डमास का रूल याद होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि ए का अर्थ इनटू बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ प्लस हो तो, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4D लिखा है, तो डी का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस हो गया 16, फिर यहाँ ए है, ए का अर्थ इनटू है, इनटू में 5, फिर बी है, बी का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड 8, फिर यहाँ सी है, सी का अर्थ माइनस है, माइनस 5। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड का फंक्शन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 + 16 × 5/8, 5 मतलब डिवाइड होता है और ये माइनस 5, तो 8 से 16 कट होगा 2 times में, तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 5 = 10 -5, अब ये दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा 14 - 5 और -5 करेंगे तो 9 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो इसमें देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के कंसेप्ट को। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि m का अर्थ डिवाइड k का अर्थ माइनस, r का अर्थ प्लस, t का अर्थ इनटू हो तो इसको इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 12 और t है ना, तो t का अर्थ गुणा तो इनटू 8, फिर m है, m का अर्थ डिवाइड है, 12 हो गया, फिर r है, r का अर्थ प्लस है, उसके बाद 16 है, फिर k है, k का अर्थ माइनस है और 14, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो पहले डिवाइड का फंक्शन होगा, ये हुआ 12 × 8/12 और बन गया +16 + 16 - 14, 12 से 12 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, लिख देते हैं 8 + 16 और माइनस है 14, तो 8 + 16 कितना हो गया 24 - 14, ये बचेगा 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
एम का अर्थ है डिवाइड के का अर्थ माइनस टी का अर्थ इंटू आर का अर्थ प्लस हो तो इसको इवेलुएट करना है। तो पहले इसका हम साइन लिखते हैं 20 फिर के है, के का अर्थ क्या है माइनस माइनस लिखेंगे और 16 है फिर टी है, टी का अर्थ है इंटू फिर 8 है उसके बाद एम, एम का अर्थ है डिवाइड तो डिवाइड लिखेंगे देन आफ्टर 4 है उसके बाद आर, आर का अर्थ है प्लस तो यहाँ प्लस हो गया कितना 6। ठीक है सबका साइन रख दिए अब इसको इवेलुएट करते हैं तो 20 माइनस 16 इंटू 8 डिवाइड है तो बाई ए 4 प्लस 6 4 से कट होगा 4 टू या 8 सब करेंगे तो 20 माइनस 16 टू या 32 प्लस 6 उसके बाद ये दोनों प्लस में है तो ये हुआ 26 20 प्लस 6 26 माइनस 32 माइनस करेंगे तो आपको ऐसे माइनस करना पड़ेगा ये कौन है ज़्यादा तो 12 माइनस 6 6 हुआ और एक करी ले चुके हैं 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस में आएगा क्योंकि कॉम में से अधिक हटाना है ये हो जाएगा माइनस 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं P का अर्थ इंटू क्यू का अर्थ डिवाइड R का अर्थ प्लस S का अर्थ माइनस हो तो इसको इवेलुएट करना है तो यहाँ लिखेंगे 544 फिर Q है Q का अर्थ डिवाइड है डिवाइड हो गया 32 फिर R है R का अर्थ है प्लस 13 है फिर P है P का अर्थ इंटू है 7 है देन आफ्टर S एस का अर्थ माइनस है 18 है अब इसको इवेलुएट कर देना है तो देखते हैं इवेलुएट करके अब यहाँ लिखेंगे 544 बाई 32 प्लस 13 इंटू 7 माइनस 18 तो यहाँ से पहले दो से कट करके देख लेते हैं 4 से हो जाएगा 4 से कट करते हैं तो 48 क्या 34 नहीं 49 32 है ना तो हाँ ठीक है 48 या 32 और 4 से 41 या 4 1 ट्रांसफर 43 या 12 और 2 46 या तो यहाँ लिखते हैं 136 बाई 8 प्लस 13 इंटू 7 माइनस 18 और 8 से 8 1 या 8 और 2 से देखते हैं 4 से कट हो जाएगा 4 टू या 8 और 4 से हो गया 43 या 12 4 4 का इसका मतलब 2 से ये कट हो जाएगा 32 है ना तो 17 हो जाएगा यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं ये 17 तो यहाँ लिखते हैं ये हुआ 17 प्लस और यहाँ इंटू कर देते हैं तो 91 37 या 91 माइनस 18 और क्या करना है ये दोनों प्लस में हैं ऐड करते हैं तो 8 हो गया और 18 108 हुआ माइनस 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 8 गया 0 हुआ ना 8 माइनस 8 0 और 10 माइनस 1 सही है 90 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आर का अर्थ माइनस क्यू का अर्थ इंटू डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड ए का अर्थ प्लस तो इसको इवेलुएट करना है। दोस्तों अगर कोई भी आपको टीटी एग्जाम्स का अगर तैयारी कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है बाय हफ्ते रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है सभी टॉपिक का आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे और प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेरा एक सेकंड चैनल है आप जाएंगे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो उसमें लिखा होगा माई सेकेंड चैनल आप उसमें जाके उसको सब्सक्राइब कर लेंगे अगर लाइक होता है पसंद आता है तो क्योंकि उसमें कंपटीशन से संबंधित जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो टॉपिक हैं सभी तैयारी कराई जाती है। आर का अर्थ माइनस क्यू का अर्थ इंटू डब्ल्यू का डिवाइड ए का अर्थ प्लस से तो साइन चेंज करते हैं 42 डब्ल्यू है डब्ल्यू का अर्थ है डिवाइड और 7 है फिर आर आर का अर्थ माइनस है 7 हो गया आर का अर्थ माइनस है फिर यहाँ ए है ए का अर्थ लॉस है लॉस 6 है फिर क्यू है क्यू का अर्थ इंटू है 4 हो गया। अब इसको इवेलुएट करेंगे तो इसमें पहले डिवाइड करेंगे तो 7 6 या 42 और माइनस 8 लॉस 6 इंटू 4
देन आपको हो जाएगा इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 6 फोर या 24। उसके बाद ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो प्लस करेंगे तो 24 और 6 30 हुआ माइनस 8 और ये बनेगा 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ डिवाइड है, एम का माइनस है, डब्ल्यू का प्लस है, तो इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ पे इसका ना साइन रखते हैं। ये 20 रहेगा फिर आर है, आर का मतलब क्या है डिवाइड, तो डिवाइड हो गया 5। फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया डब्ल्यू का अर्थ प्लस। फिर क्लियर है। देन आफ्टर यहाँ एम है, एम का माइनस है, एम का माइनस है, फिर 3 है, फिर बी टी का मीनिंग है बी टू और एक। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, पहले डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 या 24 हो गया, फिर प्लस 12 और माइनस 3 4 या 12, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 4 बनेगा इस क्वेश्चन का। फोर बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पी डिवाइड है, आर प्लस है, टी माइनस है, डब्ल्यू एक्स है, तो सबका ये मीनिंग है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पी का मीनिंग डिवाइड है, आर का प्लस है, टी का माइनस है, डब्ल्यू का इंटू है, मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 24, उसके बाद यहाँ आर, आर का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस में लिखेंगे। देन आफ्टर 16 है, 16 लिखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पी का मीनिंग है डिवाइड, आर का मीनिंग है प्लस, टी का माइनस है और डब्ल्यू एक्स दिया है। देन आपको ये क्वेश्चन का ना वैल्यू बताना है, तो यहाँ 24 लिखेंगे, उसके बाद आर है, आर का मीनिंग प्लस है, उसके बाद 16 है, फिर पी है, पी का मीनिंग है डिवाइड, यहाँ डिवाइड लिखेंगे, उसके बाद 8 है, 8 लिखेंगे, उसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मीनिंग इंटू है, इंटू लिखेंगे, डब्ल्यू के बाद 6 है। देन आफ्टर टी, टी का मीनिंग क्या है माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस 9। अब इसको इवेल्युएट कर देना है बदमाश रूल के अनुसार, तो पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24 और 8 से 6 में डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा और इंटू 6 माइनस 9। देन आफ्टर 24 प्लस इंटू का फंक्शन होगा तो 6 2 2 माइनस 9, तो ये हो जाएगा, दोनों ऐड होगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 9 आ जाएगा आंसर। माइनस करना है तो 16 माइनस 9 ये हो गया 7 और यहाँ 2 बचेगा, 27 होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।